नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप मेरे मास्टर सेलर्स चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बेहतरीन सा इम्पैक्टफुल एक किक बताने वाला हूं। इस किक में दोस्तों आपने आमतौर पे देखा होगा, यार मैंने पलक झपका तब तक वो किक मार चुका था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, एक टेक्निक है, उस टेक्निक को मैं आज आपको बताऊंगा कैसे करना है। और इसकी बारीकियों के साथ प्रैक्टिस भी बताऊंगा कि पर डे आप मॉर्निंग में जाएंगे ग्राउंड के ऊपर या रूफ के ऊपर और इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मल सी प्रैक्टिस है दोस्तों, और इससे बहुत गजब की स्पीड बिल्ड होती है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको एक किक का भी टेक्निक बताया था, उस वीडियो का आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी किक जिसमें आप प्रतिद्वंदी के ऊपर बहुत तेज़ी से या बहुत एग्रेसिव से अटैक कर सकते हैं या उससे बच भी सकते हैं। तो इस टेक्निक को गौर से देखिएगा दोस्तों, इस टाइकोंडो में हुजुन स्टेप बोलते हैं। इस स्टेप में दोस्तों कई सारी बारीकियां हैं, अगर आप नॉर्मल देखेंगे समझ नहीं आएगा, बट आप उससे बारीकियों को फॉलो करना पड़ेगा तभी आप इसे सीख सकते हैं। एज ए मार्शल आर्टिस्ट मेरा काम है दोस्तों आप अच्छे से टीच करना। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, बारीकियों पकड़ने में समय लगेगा। वीडियो को एंड तक देखिए, और एंड में आपके लिए एक छोटा सा मैसेज भी है जो चैंपियनशिप से रिलेटेड है। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये रहा नंबर, इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। केवल इतना ही लिखिएगा, आई वांट ऑनलाइन ट्रेनिंग एट होम। इसकी मंथली फीस भी होती है 300 रुपीज़। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जा रहे हैं नॉर्मल, आप चलते हुए जा रहे हैं और इस बंदे से भिड़ंत हो जाती है। अब आप यहाँ हैं, क्या की बात है, अभी आप किक मारेंगे तो पैर आपका छोटा होकर मुंह पे थोड़ा लग जाएगा। आपको किक मारने के लिए अपने आप को यहाँ से पीछे करना पड़ता है, तब जाकर के किक लगती है। तो इस चीज़ को किक, अब यहाँ पर झगड़ा हो रहा है तो आप ऐसे ऐसे थोड़े ना हटेंगे। हटने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा मूवमेंट चाहिए होता है। छोटा सा टेक्निक है दोस्तों जिससे आप अगले को पलक झपकने से पहले उड़ा सकते हैं। देखिए कैसे बंदा इस तरीके से खड़ा है, इससे मेरी झड़प हो गई, ठीक है, इसने धोखा दिया, मैंने धोखा दिया, ये खड़े हैं इस तरीके से, और देन यहाँ से शूट। बहुत नॉर्मल सा टेक्निक है दोस्तों, देखिए गौर से इसमें कितना पावर बिल्ड हो सकता है वो देखिए। अब सपोज कीजिएगा ये मेरा अपोनेंट है, ये पैड नहीं, मेरा अपोनेंट है, और मेरा इससे झड़प हो जाता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ इतनी दूर पर, ठीक है, और यहाँ से मुझे क्विक इस स्टेप से बैक आना है और हिट करना है। देखिए कितना फास्ट होता है, तरीके से करें, इतना स्पीड और इतना बेहतरीन सा इंपैक्ट। अब अपोनेंट दूर है और मुझे घुस के मारना है, घुस के मारना है इट मींस अगले को मौका नहीं देना है। जैसे मैं अगले ने कुछ ऐसी बदतमीजी किया, कोई ऐसी बात बोल दी कि मुझे दूर से इसको हिट करना है, दूर से जो कि मेरे रेंज में नहीं है, मैं दौड़ूंगा कॉलर पकड़ूंगा तब मारूंगा, उस रेंज वाले किक को कैसे इंपैक्ट करना है। फिर आप इसमें आएंगे पिछले पैर के बेस पे, ये खड़े ये और ये किक, ठीक है दोस्तों, ये हुजुन और जुजुन स्टेप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये खड़े हैं ये। अब इसमें बारीकियां क्या है, बारीकियां ये हैं कि हम ये जंप नहीं कर रहे हैं, गौर से देखिएगा, हमने बोथ लेग एक साथ नहीं उठाया है, इस पैर को हल्का सुटाया पिछले पैर को और अगले पैर से बैक, गौर से देखिए, इस पैर को उठाए हमने पिछले पैर जिस तरफ को हमें मूव करना है उस पैर को उठाए और अगले पैर से, और याद रहे पूरा मूवमेंट आपके पंजे पर रहना चाहिए, आप पैर रख देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। देखिए खड़े इस तरीके से जी हूँ इधर, अगले समझ में भी नहीं आएगा कितनी तेजी दूर हटा और हिट कर गया, इसको आप प्रैक्टिस करते करना वो देखिए, इस तरीके से खड़े हैं ये, और वन टू चेंज थ्री फोर फाइव सेवन
1, 2, 1, 2, ये चीज। अब हमें छटक के अंदर मार रहा, वो देखिए, नहीं अब आप पीछे हटते जा रहा है इस तरीके से। इसमें दोस्तों अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए दोस्तों, खड़े हैं इस तरीके से, फाइट करने मूवमेंट होता है, यहाँ सामने ओपोनेंट खड़ा है, आप इस ये मूव ले करके ये खड़े होते हैं। अब अगले पैर से पीछे बॉडी को फेंकना है, पिछला पैर उठा लेना है, 1, 2, 3, ठीक है। फिर से देखिए, 1, 2, 3, देखिए कितना कमाल का स्टेप है ये। अब बंदा आता है मेरे को दौड़ाना शुरू करता है मारने के लिए, इस तरीके से। तो बंदा इससे बचने के लिए, जब कोई अटैकर आ रहा है उससे बचने के लिए ये 1, 2, 3 ऐसे मूव करना फास्ट, इसी चीज को आगे, इसी चीज को बैक साइड के। तो भाइयों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए। और दोस्तों लास्ट में मैसेज ये था कि ड्यू टू COVID-19 फर्स्ट टाइम पूरे भारत में चैंपियनशिप कराया जा रहा है नेशनल लेवल का, जिसमें भी जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सबसे पहले उन सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट बोलता हूँ। और उन सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी उन लोगों ने फॉर्म सबमिट करते समय मोबाइल नंबर दिया है उसे 31 तारीख से 1 तारीख के बीच में वो एक्टिव रखेंगे। अगर कोई परेशानी आती है तो उनके पास फेडरेशन से या मेरे पास से कॉल जाएगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। और बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन सा परफॉर्म किया है, हम खुद कंफ्यूज हो चुके हैं कि किस बच्चों फर्स्ट किया जाए, किसे सेकंड किया जाए, इतना टफ कंपटीशन दिया हुआ है। और इसका मैं एक झलक छोटा सा दिखाऊंगा आपको अपने चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों छोटे छोटे बच्चों ने कितने कमाल का परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो आप वहाँ पे देख कर दोस्तों समझ जाएंगे कि फ्यूचर में कितनी अच्छी प्लानिंग चल रही है इन बच्चों की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।